हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है अपने बाइक के चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ तो TVS किंग ऑटो रिक्शा। तो इसके बहुत प्रॉब्लम है, गियर प्रॉब्लम है, रनिंग में प्रॉब्लम है, तो गाड़ी नहीं चल पा रहा है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, किक फ्री हो रहा है, तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम हो गया है। तो ये प्रॉब्लम के कारण तो क्लास प्लेट की प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप सबको ये क्लास प्लेट कैसे चेंज करें और कैसे फिटिंग करें, तो आज सही तरीके से आप सबको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख रहा ही होगा तो मैंने ये क्लच कवर खुल रहा हो, क्लच कवर नट खुल रहा हो, तो गियर केबल खुल लिया है। और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, तो कैसे खुलते हैं और कैसे फिटिंग करते हैं। तो आज मैं आप सबको ये काम दिखाने वाला हूँ, तो ठीक है। क्लच क्लब का बार जाम है, इसलिए मैंने आठुल लेके तो थोड़ी थोड़ी चुकी देने लगा। तो इस वक्त खोल लेते हैं, तो देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी निकल चुके हैं, क्लच प्लेट निकल चुके हैं। तो ये अभी प्रॉब्लम देख रहा हो, ये देखिए क्लच गियर पूरा घिस गया है। तो क्लच हब, क्लच सेंटर सभी घिस गया है, और ये प्रेशर प्लेट भी डैमेज हो गया है, क्लच प्लेट भी डैमेज हो गया है। तो इस वक्त मैंने न्यू क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और ये जो क्लच गियर, ये देखिए, तो ये है क्लच गियर और क्लच हाफ बोलते हैं। तो क्लच हाफ, क्लच सेंटर, ये क्लच डिस्क व क्लच प्लेट। तो ये सामान न्यू है, तो सभी सामान लगा रहा हो, तो ये सामान अभी फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।
दोस्तों देख लिया होगा, क्लास प्लेट फिटिंग किया, क्लास सेंटर क्लास हाउसिंग कंप्लीट फिटिंग किया, इस वक्त क्लास हाउसिंग नट पर टाइट दे दिया है, क्लास नट टाइट दे रहा हो तो अभी मैंने तो गास्केट लगा लूँगा, तो कवर भी लगा लूँगा। तो ये देखिए न्यू गास्केट सेट है, तो क्लच कवर गास्केट पे पेस्ट लगा लूँगा। तो इसके बाद ये जो कवर क्लच कवर लगा लूँगा। तो देखिए दोस्तों, तो इसके बाद मैंने पूरा गाड़ी रोड पर चला के तो दिखाऊंगा, तो गाड़ी में गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्लच कवर फिटिंग कर लिया है। इस वक्त मैंने क्लच कवर नट स्क्रू लगा लूँगा, इसके बाद मैंने गियर केबल क्लच केबल और फिल्टर ऑयल फिल्टर तो ऑयल सभी डाल लूँगा। तो इसके बाद तो गाड़ी चलाऊँगा। तो इस वक्त मैंने ये नट को टाइट दे रहा हो, तो क्लच कवर नट स्क्रू टाइट दे रहा हो, तो ठीक है। तो दोस्तों काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने गियर केबल भी लगा लिया है, क्लच केबल भी लगा लिया है, सभी काम कंप्लीट हो गया है। तो इस वक्त मैंने गाड़ी रोड पर चला लेते हैं। तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये देखिए कंप्लीट गाड़ी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ न्यू वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।